जाने जाना रब दा फैसला। नलवाला साहब, ईमान से चिराग लेके ढूंढ रही हूँ, कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा आपकी बेटी के लिए। हाँ? पूरा बिजनेस सेटअप करके देंगे लड़के के लिए, और बिजनेस तो चल भी जाएगा, लेकिन लड़की की टांगे नहीं चल रही ना, मसला बहुत बड़ा है। अच्छा खैर, मैं कोशिश में लगी रहती हूँ, आप भी मुसल्ले में बैठ जाइए। अल्लाह, किसकी नजर लग गई मेरे बिजनेस को, आए पूरा बिजनेस ही ठप हो गया मेरा तो। बेगुनाह बेकसूर लोगों पे बोतान लगाएगी ना, मजीद ठप हो जाएगा, मेरी आहें ले डूबेंगी। आहें अगर ले डूबती ना तो इस वक्त तू समंदर में होते खा रहा होता। आ नहीं तो जरा अपने हिसाब का ट्रैक पे भी नजर डाल ले सुल्तान साहब। आ तो सुल्तान के भी कुछ असूल हैं, अपनी बहू बेटियों की चीजों पे नजर डालना हराम समझता हूँ। बस सिर्फ बीवी का माल आप पे हलाल है ना सुल्तान साहब। ऐसे ये डेलीगेशन कहाँ जा रहा है? सहमत की यूनिवर्सिटी की फीस जमा कराने। इस उम्र में पढ़ाई? ए बेटा क्या मार रहा है तुझे, तेरा बिजनेस भी ठप हो जाएगा। अरे नहीं ठप होता नानू, रिलैक्स। भाभी ये आपकी रिंग है? ये कहाँ से मिली? मैं तो ऊपर गई थी भाई से बाल बनवाने, बेड के पाए के पास पड़ी हुई थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने सुर्ख रुख कर दिया, शुक्र है। क्या मतलब? इनके कहने का मतलब है कि शुक्र है रिंग मिल गई, क्योंकि अगर ना मिलती ना तो तुम समझती कि कहीं ससुराल वालों ने रिंग उड़ा ली है। नहीं नहीं नहीं, ससुराल वालों ने नहीं, सुल्तान ने क्योंकि वही किया था आखिरी बार रूम में, रात से मेरी जिंदगी हराम करती थी। ये तो आप लोगों ने बहुत गलत किया है। बात ना बढ़ाए ना। बात को तो तुमने बढ़ाया है, इस घर में तुम लोगों के लिए बाप की अपनी कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ जानते हो कितना दुखी था मैं रात भर से, सोच सोच के मेरा दिमाग फट रहा था कि ये लोग कितना गलत समझते हैं मुझे। नहीं रोना आ रहा तो बंद कर दे ये टोपी ड्रामा, नहीं मिलने वाला अवार्ड। देख लूंगा बेटा, देख लूंगा। सगी खाला मेरे खुश आंसुओं को टोपी ड्रामा कह रही है, कयामत की निशानियां है ये, कयामत की। हाँ देख लूंगा सबको मैं, इल्जाम लगा लगा के मुझे बदनाम कर दिया पहले से बेरोजगार को। तुम लोगों को देर हो रही होगी। हाँ मुझे मुझे बहुत जोर की पढ़ाई आ रही है। चल पढ़ाई करनी है। अरे बाप, मिली तूने तो बड़ा काम किया। नेहा पूरे 10 मिनट लेट हो तुम। आई एम सो सॉरी, आधा मिल गया था रास्ते में। लेकिन तुम्हारा कमिटमेंट तो मेरे साथ था ना, ठीक 12:30 में तुम्हें यहाँ पर होना था। लंच कैंसिल कर लें? अब नहीं नहीं कैंसिल क्यों करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट 2 मुझे प्रैक्टिकल लेने आना है। आप एक काम कर, आप प्रैक्टिकल ले लेना, हम लोग लंच फिर किसी और दिन कर लेंगे। अरे यार तुम छोटी छोटी सी बातों पर माइंड कट जाती हो। जाहिर सी बात है, माइंड है तो माइंड करूंगी ना। अच्छा वी आर गेटिंग डेट। एक मिनट ये उतारे, ये घड़ी उतार के मुझे दे। चले घड़ी जी। अब जब तक मैं आपके साथ हूँ ये घड़ी आपके साथ नहीं होगी। अच्छा ठीक है अब चले। एक मिनट अब्बा की कॉल। हेलो जी अब्बा। अच्छा ओके मैं आती हूँ। अब्बा मुझे अपने ऑफिस में बुलाना, शायद कोई काम होगा। आप एक काम करें ना, आप गाड़ी बाहर ले आए, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। प्लीज लेट मत होना। ओके वेटिंग। हाँ तो बताओ फिर क्या मालूम किया सारम के बारे में? सर मैं उमर के कजन से मिला था, वो सारम का पुराना क्लास फेलो है। Well, that's great. यानी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक बताया होगा? जी सर। मुझे खुलकर बताओ, मुझे ट्रस्ट है तुम पर, बताओ। ठीक है, लेकिन तुम मोहब्बत को बीच में नहीं लाओगे। आदम क्या हो गया, कहाँ घूम जाते हो? सॉरी सर,
मुझे खुलकर बताओ, क्या मुझे नेहा का रिश्ता करना चाहिए या नहीं? वहां सर, जितना मैं नेहा को जानता हूँ शायद कोई नहीं जानता। हमारे बहुत से रिश्ते हैं, बचपन के दोस्त हैं, क्लास फेलोज, कंपेटिटर्स, पड़ोसी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने बहुत सारा टाइम साथ गुजारा है। आई नो आदम, वो एक बहुत हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड, सेंसिबल और प्रैक्टिकल लड़की है, और उस लिहाज से वो एक ऐसा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है जो उसकी कदर कर सके। तो क्या तुम्हें सारम ऐसा नहीं लगा? सर, अगर मैं फ्रेंकली बात कर सकता हूँ तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? क्यों माइंड करूंगा भाई, तुम्हारी राय के बाद ही मैं हाँ या ना का फैसला करूंगा। मुझे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है जितना तुम पे है। तो सर, अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हैं, सारम नेहा के लिए परफेक्ट है। ओके, दैट्स ग्रेट। यानी कि फिर मुझे मंगनी की डेट फिक्स कर देनी चाहिए? As you wish, sir. Good. ठीक है। मुझे कुछ लाइब्रेरी में काम है तो। अब्बा, मैं लंच पे जा रही हूँ सारम के साथ। अच्छा, एक सेकंड रुको। मुझे ये बताओ कि तुम लोग जर्मनी के प्रोजेक्ट के लिए वर्किंग कब शुरू करोगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द। देखो, अभी टाइम तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहां से भी विन करके आओ। अब्बा डोंट वरी, मेरा और आदम का कॉम्बो बेस्ट है, इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। इंशाल्लाह। सारम के साथ लंच पे जाना है। हाँ, मुझे भी कुछ काम है। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़। बड़े कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हो हम के? खुद ही तो कहा था मोहब्बत को मत लाना बीच में। अच्छा, मतलब अगर तुम मोहब्बत को ले आते तो तुम्हारी राय कुछ और होती। वाह आदम सुल्तान, तुम्हारी आला जर्फी को साथ सलाम। नेहा, I'm so sorry. ऑलरेडी 1:30 बज चुके हैं और 2 बजे मेरा प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स के साथ। ये पकड़ें आप अपनी रिस्ट वॉच, इसे बांध कर ना कि सीध में जाकर लैब में चले जाएं। लंच फिर कभी सही। खफा हो गई यार, तुम इसे कुछ टाइम मैनेजमेंट सिखाओ ना। अब जो सिखाएगा आप ही सिखाएंगे। मोहब्बत का वायरस अपने दिमाग में घुसा के तुमने चीजें ऑकवर्ड नहीं कर दी? ये मोहब्बत ऑकवर्ड चीज नहीं होती, और वैसे भी उसका ताल्लुक दिमाग से नहीं, दिल से होता है। अच्छा, तो मैं तुम्हारे दिल तक कैसे पहुंची? अरे, तुमने तो कहा था कि हम इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं करेंगे, ऐसा समझो कि मैंने ऐसी बात की ही नहीं। चलो मान लिया, लेकिन ये जमाने भर की आशिक जैसी शक्ल बनाकर तुम मत देखो मुझे। तुम ऐसा करो, मुझे छोड़कर अपना फोकस उस सुरमे पे करो। सुरमा? सर, आई एम सॉरी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने नहीं नाम रखा। किसका नाम? सारिम के दोस्त उसको सुरमा कहते हैं। ऐसे मजे का नाम है। चलो घर जाते हुए ना इस बात पर हंसते हैं, ठीक है? मैं बस से गाड़ी की चाबी ले लूं दोबारा। मजा आ गया तुम्हारा सुरमा। थैंक गॉड तुम यहाँ पर हो। अच्छा नेहा, वो प्रैक्टिकल तो अब नहीं हो रहा, वो स्टूडेंट्स का कुछ हंगामा हो गया, तो अब हम लंच पर चलें? I'm sorry, मैं आदम साथ घर जा रही हूँ। थोड़ा लेट चले जाना, और वो फाइनल ईयर की फेयरवेल पार्टी भी है ना, उसका भी डिस्कशन हम कर लेंगे जो नेक्स्ट वीक हो रही है। उस पार्टी में तुम दोनों ने कंपेयरिंग करनी है। I'm sorry, सारम, एक्चुअली मेरी और आदम की एक कमिटमेंट है, तो हम पार्टी की डिस्कशन कल कर लेंगे, ठीक है? चलो आदम। चलो। Bye. अल्लाह, कैसी मनहूस ऐप है, कोई रिश्ता ही नहीं निकल रहा है इसमें से। तो इस लड़की को क्या हुआ है? ये लिपटा लिपटी किस चक्कर में हो रही है? नाना, I'm very upset. I'm double upset. ऐसी गंदी ऐप बनाई उस ज़ॉम्बी वायरस तेरी बेस्ट बडी ने। नानू, मेरी बेस्ट बड़ी तो मुझसे नाराज होके बैठी हुई है, तभी इतनी गंदी ऐप बनाई है।
नानो ऐप तो उसने एक महीने पहले बनाई थी और ऐप गंदी नहीं, आपके बिजनेस के रिजल्ट्स पैथेटिक है। चल चूटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, पिछले एक महीने से एक भी तलाक नहीं हुई मेरे किसी क्लाइंट की। और पिछले एक महीने में आपने कितने रिश्ते करवाए? कोई भी नहीं। तो शादी होगी तो बर्बादी होगी ना, चले मेरे साथ। कोई रिश्ता करवाना है क्या? नहीं नानो, साशा को मनाने। आज उसने पूरा दिन मुझसे स्कूल में भी बात नहीं की। चलो अच्छा है, तुम रूठे हम छूटे। नानो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी, कल जो मैंने उसके साथ ज्यादती की थी ना, रात को मेरा जमीर जाग गया था। तो फिर कुछ घंटे और सुला दे जमीर को, मैंने नहीं जाना अभी। वो मनोज डिस्को बुड्ढा वहाँ बिन बिन आ रहा होगा, अभी कुछ देर में मस्जिद को खिसक जाएगा फिर जाएंगे। चलिए ठीक है, तब तक मैं उसके लिए हमारे रेस्टोरेंट से उसकी फेवरेट ब्राउनीज मंगवा लेती हूँ। हमारे लिए तो कभी ना मंगवाई, हम तो इतनी दार उठे। मासूम नानी का कोई सोचता ही नहीं आ, नहीं तो ये ऐप ही मनहूस है। मैं वैसे जाना चाहिए था उसके साथ। किसके साथ? सुरमे के साथ? शर्म करो, तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मुर्शिद बनाकर कदमों में बैठ जाऊं? हाँ, लेकिन इतनी रिस्पेक्ट तो वो डिजर्व करता है। देखो मोहब्बत और रिस्पेक्ट, जो दोगे वही मिलेगा। और तुम क्यों उसे हम दोनों के बीच में घुसा रहे हो जबरदस्ती? मैं तो बस समझा रहा हूँ एज अ फ्रेंड। और वैसे तुम्हारा मेरे साथ 3 बजे कौन सा कमिटमेंट था? हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं इस वक्त। तो हेरा अपने कजन के घर है और फिर शो शुरू होने वाला है, चलो ना। लेकिन नेहा, देखो हमारी नई दोस्ती में लेकिन लेकिन नहीं चलेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा अगर ये बात है तो फिर मुझे चमचा और सीनियर सिटीजन कहना बंद कर दो। डन हो गया। ओके, तो फिर घर पर क्या कहेंगे? मैं टेक्स्ट कर देती हूँ कि हम दोनों हीरा की तरफ जा रहे हैं कंबाइन से। मतलब झूठ बोलेंगे? अच्छा तो तुम्हारा सच बोल के अब्बा के हाथ में जूते खाने का इरादा बता दो। नहीं, जूते खाने का मूड नहीं है। तो उनसे बहुत कूल लगते हो मेरी बात मानते हुए। देखो जब भी जाएंगे तो हम फन करेंगे, स्टडीज भी करेंगे लेकिन फन भी करेंगे। कर लेना जो करना होगा। साशा एकदम से आधे घंटे में 5,000 फॉलोअर्स कैसे कम हो गए? दद्दू इतने ही होंगे। अरे पागल पागल हो क्या? दिन में 36 बार देखता हूँ मैं, मेरे दिल पे लिखा हुआ है मेरे फॉलोअर्स का सारा हिसाब किताब। ये किसका फोन आ गया सर? हेलो दद्दू हैंडसम स्पीकिंग। अरे क्या कह रहे हो मियाँ, कोई भंग भंग की बूटी तो शरबत में डालकर नहीं पी गए? कौन लिख गई डिंपल वाली? मेरी तस्वीर है उसके साथ? अरे बंद करो फोन। तो क्या हुआ दद्दू? अरे देखो नागन इज बैक। वैसे कोई नाग ही किसी नागन को पहचान सकता, पर हमने तो कभी ना देखी नागन। अरे बेकार की बातें नहीं करो, बेड़ा गरक कर दिया मेरी सारी इज्जत का तुम्हारी उस दोस्त ने, सारी वायरल कर दी है मेरी तस्वीरें पुलिस स्टेशन वाली, ये देखो। आए मेरी तस्वीरें? आए कौन सी? अरे मेरी तस्वीरें पुलिस स्टेशन वाली सारी वायरल कर दी, बेड़ा गरक कर दिया उसने मेरी जिंदगी का। दिखाओ। आए वैसे हरकत तो बहुत घटिया की है लेकिन देखिए कितनी क्यूट लग रही है ना, देखो कितनी क्यूट लग रही है, मनहूस लग रही है आपकी तरह। आए डिस्को बुड्ढा ऑन फायर। तस्वीर किसकी लीक हुई है बताओ तो सही। गाड़ी में बैठो बताती हूँ। तुम्हारी तो नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हें मैं ऐसी दिखती हूँ जो लीक होने वाली तस्वीरें बनवाएगी? तुम ना एडवेंचर के चक्कर में कुछ भी कर सकती हो। ज्यादा पूल बनने की जरूरत नहीं है, दद्दू की तस्वीरें लीक हुई हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इस उम्र में वो लीक होने वाली तस्वीरें ले रहे हैं। हो गया अब चले। एक्सक्यूज मी, आप ना चाबी मुझे दें, उस साइड पर जाएं, मेरा आज वर्कशॉप जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। ठीक है गाड़ी तुम चला लो, जल्दी करो, दद्दू जो है ना वो बहुत अपसेट है। तो फिल्म का क्या करें? अरे तुम्हें फिल्म की पड़ी हुई है, घर पे पूरा शो शुरू हो गया। क्या सर को भी पता है? जी हाँ, इसलिए तो दद्दू के पैर जल रहे हैं। मामा मैं सना सफीनास की नई कलेक्शन से आपके लिए जोड़ा लेकर आई हूँ एज ए गिफ्ट। अरे वाह मेरी बेटी, शुक्र है किसी को तो ख्याल आया, सुल्तान को तो कभी ख्याल ना आता। थैंक यू। हाँ अब पसंद आया? आई जस्ट लव इट, बहुत प्यारा। थैंक यू। तुम्हें पता था ना इस बात का, और हमेशा की तरह तुमने मुझसे छुपाया। मुझे मामू ने मना किया था। हाँ अब मुबारक हो, इस मामू को वो खातून मामू बना चुकी है, पूरी दुनिया में उनकी नेक नाभी के झंडे लग चुके हैं।
दद्दू के 10,000 फॉलोअर्स कम हो गए और निगी के 20,000 बढ़ गए। ये सब आपका ही क्या धरा है ना आप ही ने मिलवाया था। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। अब सेलिब्रिटीज के साथ तो ऐसा होता रहता है, बल्कि बाज लोग तो खुद लीक करवाते हैं। लेम एक्सक्यूजेस मत दो, और अंदाजा है प्रोफेसर जाबिर ने जर्मनी से मुझे तस्वीरें भेजी थीं। आप जर्मनी मुझ पर रिसर्च करने के लिए गए क्या? अब्बा प्लीज, खुदा का खौफ करे, पोतियों की शादियां हो रही हैं, उनके ससुराल वाले क्या कहेंगे? हमारी टेंशन ना लेना, वी आर वेरी लिबरल पीपल। नानो घर चलें, वो अम्मी की कॉल्स भी आ रही हैं। हाँ तो तुम जाओ ना, तुम्हें आ रही हैं कॉल्स। नानो चले ना, मुझे भूख लग रही है। सारा मजा खराब कर दिया। अब इसका क्या होगा? मैं लेकर चलता हूँ, साइबर क्राइम की रिपोर्ट फाइल कर लें। Exactly, बिल्कुल ठीक कह रहा आदम। हाँ बिल्कुल, मैं भी चलूंगा थाने और उस निगी डिंपल वाले के सारे डिंपल खत्म करके ही समझूंगा मैं। हाँ हाँ जाएं जाएं, शौक से जाएं, अपनी इज्जत की तो धज्जियां खूब उड़ा दी, बाकी कसर भी पूरी कर लें। वैसे दद्दू पुलिस की हिरासत में बड़े क्यूट लग रहे थे, क्यों नहीं नेहा? वैसे नो डाउट एवी नहीं, लेकिन डिंपल पागल हो गई थी। हाँ मैं तो क्यूट लग रहा हूँ, मगर ये तुम दोनों गठजोड़ करते हुए जहर लग रहे हो मुझे। जल गए, मरहम लगा दे। अरे दद्दू आप टेंशन नहीं ले, अभी बोरी सिलवाते उस निगी डिंपल वाली की। यस चलो थाने, चलो मेरे साथ। या खुदाया, अब दद्दू साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में रिपोर्ट जमा करवा तो दिए। वो कह रहे हैं कि 3-4 दिन के बाद निगी डिंपल वाली के खिलाफ नोटिस इश्यू करेंगे वो। तो दद्दू अब क्या करें? अरे 3-4 दिन में तो बैंड बज जाएगा मेरा, तूफान मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, थू थू कर रहे हैं लोग हैंडसम पर। कमेंट्स का ऑप्शन बंद कर दें। अरे सबसे पहले तो उसका मुंह बंद कराओ, किस स्टूपिड आदमी से दोस्ती कर ली है तुमने? ठीक ही तो कह रहा है बेचारा। बेचारा शदीद फेक लग रहे हो तुम दोनों, जा यहां से। ये मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? चलता हूँ, वैसे भी यहाँ सब कुछ झटके लग रहे हैं। बाय, टेक केयर। नेहा बाजी, ये क्या आप आदम भैया की नई बोरी डिजाइन कर रही हैं? मैं क्यों डिजाइन करूंगी, दोस्त है वो मेरा। है? दोस्त? अच्छा ये ओवर एक्ट ना बाद में करना, अभी जाके दद्दू को कंसोल करो, जाओ बहुत अपसेट है। चलो ये तुमने मुझे इस फजूल घटिया कहानी सुनाने के लिए मेरे घर से बुलाया, वो भी इमरजेंसी में? ये कौन सी लव स्टोरी है, रणछोड़ लाइन की? आई स्वेयर इतना एंजॉय किया मैंने नेहा के साथ। लाना तो ऐसी एंजॉयमेंट पर जहां किसी इंसान को अपनी अना का सौदा करना पड़े। जो भी कह, आज तेरा भाई अजीब सुरूर में है, दिल चाह रहा है कि दोनों हाथ ऊपर करके एक टांग पे खड़ा होकर बस भंगड़ा डालूं, ये ऐसे ये वाला। वेरी गुड, और प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल करो, क्योंकि उस सुरमे की बारात में तू सबसे आगे जाके नाच रहा है, उसका भाई नहीं है। यार तू सारा मजा खराब कर देता है। अच्छा भाई एक काम कर, मुझे खाना दे दे, तुमने मुझे डिनर से उठा लिया। गैरत की गोली खा, एक तो मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम ताने पर ताने दिए जा रहे, इस दिन की दोस्ती की थी तुम्हारे साथ? हाँ और मैंने भी इसलिए तुमसे दोस्ती की थी ना, ताकि तुम्हारे सस्ते लव स्टोरी के बारे में सुनते रहो। अबे भाई इससे ज्यादा रोमांस तो निंजा टर्टल मूवी में था, इससे ज्यादा रोमांस तो मेरे लंच के कीमे में था। यार तूने वो मंजर नहीं देखा जो वो सारिम को इग्नोर कर रही थी और मेरा बाजू इसने इसे पकड़ के ना चल पड़ी, यू ये। अच्छा यार इजी हो जाना यार, पता है मैं पता है क्या मंजर देखूंगा, जब वो इस मुंह को फिटे मुंह करके रुखसत हो जाएगी। तू रुखसत हो जा मेरे घर से, फजूल बातें किए जा रहे, चल चल। सलाम अंकल। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम आदम, तुमने ऐसे बताया कि मैं बिजनेस को टेक ओवर कर रहा हूँ? क्यों अंकल, आपने दो बेटे इसलिए जवान किए थे कि वो अपने बूढ़े से बाप को रेस्टोरेंट पे अकेले बिठा दे। तो मेरे बाप को बुड्ढा कह रहा है, शर्म कर। वैसे यार ये ज्यादती है, खैर तुम आना रेस्टोरेंट पे, नई नई डील्स अनाउंस करूंगा, आना आना आना। हैं अंकल फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस, मैं गुड लक कहता हूं आपके नए वेंचर पे। बोला आना।
देखा? एक सेकंड अबे भाई बीबी आराम से, आप छुरी लग सकती है आपको। इतना मुश्किल काम है, आप कैसे कर लेते हैं, मुझसे नहीं हो रहा। देखिए ये चीजें जो है ना, ये प्यार और डिवोशन मांगती हैं। जिस तरह आप मुझसे प्यार करती हैं, मैं बिल्कुल बिल्कुल सेट हूं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदि कहाँ है? क्या हो गया? आदि कौन? चलो तुम्हारी भाभी पूछ रही है आदि कौन। वो क्या हो गया भाभी? मैं आदि। तो सुनो, रात से ना अब्बा का पारा बहुत हाई हुआ है, और तुम जो दद्दू को अफसोस करने नहीं आए ना, उसका तो हिसाब अलग से होगा। क्यों, क्या हुआ है? चलो जी, राहत से दद्दू के आशाने में आग लगी, फिर तुम्हें पता ही नहीं। मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। भाभी आप नानों से पूछ लेगा। नेहा वो सर की असाइनमेंट की? हाँ, मैंने तुम्हारी भी कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि तुम रात से दद्दू के साथ ख्वार हो रहे थे और तुमने नहीं बनाई होगी। भाई हमारे सैंडविचेस पैक कर ले, हमें निकलना है। तुम दोनों की तबीयत तो ठीक है? जी अभी चेकअप के लिए टाइम नहीं है। नेहा लेट्स मूव, हम उधर खा लेंगे कैंपस। कयामत की निशानी लग रही है मुझे। ये आग और पानी का मिलाप कैसे हो गया? पानी? खैर मुझे ऑमलेट बनाना है, बाबा को मुझे रेस्टोरेंट लेके जाना है। मेरी कुकिंग क्लास? कुकिंग क्लास मुझे होगी ना, आपको आता है सब? रेडी? हां चलें चलें जी। यार ये विक्की को क्यों एकदम से दौड़ा पड़ गया नेहा के साथ कंपेयरिंग करने का? वो नहीं करना चाहती उसके साथ, उसने मुझे कहा था। फिर तो वो अग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी उसने कंपेयरिंग का इनकार कर लिया था उसके साथ। हाँ तो उसकी मर्जी, उसको वो नहीं पसंद। सुना है प्रोफेसर ने तुझे भी चूना लगा दिया? अबे प्रोफेसर साहब ने तुझे लगाए चूने वाली दीवार के साथ, और ज्यादा ना बोल वरना मैं अपनी मम्मी को बुला लूंगा। दीवार के साथ मुझे नहीं, तेरे इस दोस्त को लगाया जो पिछले 3 साल से नेहा के आगे पीछे हो रहा था और मंगनी तय कर दी किसी और के साथ। नेहा का नाम मत लेना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मुंह तो उसने तुम्हें नहीं लगाया सुर्ख झंडी दिखाकर। बकवास बंद करो। आदम इसका जबड़ा तोड़ दो। आज तक कोई माइकल एल पैदा नहीं हुआ जो विक्की पर हाथ उठा सके। आदम मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। चलो भाई, भाई भाई तो सुन, भाई बात तो सुनो। आदम यार बात सुनो, इसको मार लो। देखिए सारम, आप ट्रस्ट करें, हेरा बहुत अच्छी कंपेयरिंग कर लेगी। नेहा वो ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा था कि बेहतर होता कि तुम कर लेती हैं। मैं वीसी साहब को भी बुलवा रहा हूँ ना। सर मैं तो कब से नेहा को कह रही हूँ, मगर मुझे लगता है इसे कोई इश्यू है विक्की के साथ। नेहा भी मैच्योर, वो भी तुम्हारा क्लास फेलो है। नेहा जल्दी आओ, आदम की लड़ाई हो गई विक्की के साथ। What? अब ये क्या बच्चों जैसी हरकत है? नेहा का क्या काम है वहाँ पर? वो लड़के पार्किंग में जा रहे सर कुतुब की गाड़ी तोड़ने। सर तोड़ दूंगी अगर किसी ने अब्बा की गाड़ी को हाथ लगाया। नेहा लिसन टू मी, नेहा सर कुतुब की गाड़ी तो प्रोफेसर जमशेद लेकर गए हैदराबाद। वो मैं आदम को बचाने जा रहा हूँ, वो आपको बल्ला ले आया था ना, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठा हूँ, आप लोग जाएंगे। आदम आ रहा हूँ मैं बचाने तुम्हें। छोड़ मुझे, छोड़, मैं बताता हूँ तुझे। तुझे बताता हूँ के बच्चे मेरा। किसने तोड़ी मेरे बाप की गाड़ी? ये भाग रहा था तुम्हारे अब्बा की गाड़ी में। कौन है गाड़ी बताओ? यही तो नजर नहीं आ रही। सर आप जाए ना, उन्हें बोले आपके आपके कहने से स्टूडेंट्स रुक जाएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स के साथ लड़ना बेवकूफी है। नेहा तुम निकलो यहाँ से, ये लोग पागल हो गए। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ ना निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ। अरे वाह रोमियो जूलियट के डायलॉग, कहीं इसी वजह से तो तुम मेरे साथ कंपेयरिंग से मना नहीं कर रही? तुम्हारी इन घटिया हरकतों की वजह से मैंने मना किया था। साइड बो जाओ, ऐसा नहीं कि गंदम के साथ घू भी पिस जाए। नेहा भी तो गई भी है। आ जाओ आ जाओ, और बल्ला वहीं छोड़ देना। आ गया ले नेहा भी, मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को कॉल करता हूँ। मेरा प्लीज, जरा मेरा बैग भी ले आओ। नेहा मैं 1 2 3 काउंट करूंगा, बैक साइड से भाग जाएंगे। नहीं आती, मुकाबला करती है ना। बेवकूफ लड़की, ये फिल्म का सेट नहीं है। ये क्या खुसर पुसर लगा रखी है, ऊंची आवाज से बोलो। मैं गिनती शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? 3
swear, इंतहाई नेगलिजेंस का मुजाहरा किया है आपने। सर, नेगलिजेंस का मुजाहरा मैंने नहीं, आदम ने किया है। उसको क्या जरूरत थी नेहा को इस तरह हाथ पकड़ के लेके जाने की? मैंने गार्ड्स को कॉल कर दी थी। एक्सक्यूज मी सर, वो लोग हॉकी स्टिक और डंडे लेके आए उनके सर पे मारने के लिए। सर, गार्ड्स ने खुद कहा था कि वो 10 मिनट में पहुंच रहे। लेकिन सर, इस दौरान मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप स्टूडेंट से एक बार बात तो कर लेते। एग्जैक्टली, बात करनी चाहिए थी तुम्हें उनसे। सर, उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि इमोशन से काम नहीं लिया जा सकता था, लॉजिक से बात करने की जरूरत थी। चाहे इस लॉजिक के चक्कर में मेरी बेटी का सर खोल देते वो, ऊपर से वो दोनों फोन भी नहीं अटेंड कर रहे। सर, आदम का मोबाइल मुझे जमीन से मिला है वहां पे। मैं वीसी के साथ मीटिंग करके कार्रवाई करता हूं उनके खिलाफ। सर, मैं भी आता हूं। सर, इस बुजदिल लोमड़ के साथ शादी कर रही है तुम्हारी दोस्त, जिसको इमोशन से ज्यादा लॉजिक पसंद है। अरे, खून जिगर पिलाकर पाला है मैंने इन तीन पोतियों को। तो मामू, वो कब इनकार कर रही हैं? अरे, जब मुश्किल वक्त आया तो आंखें उठाकर पीछे रख ली। बड़ी वाली ने तो सुबह से एक दफा भी पूछा नहीं है मुझे। अरे नहीं, उसे तो नेहा ने आज ही सुबह बताया है। हाँ तो कौन सा उसने आकर यहाँ पर जूतियां घिसवा ली? नेहा उस्ताद को तो वो नई दोस्ती का खुमार चढ़ा हुआ है, और ये ज़ॉम्बी वारिस। खबरदार दद्दू, मेरा नाम नहीं लेना आपने। क्यों, तुम्हारे नाम लेने से करण लगता है? आपको पता है, आपकी वजह से बच्चों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया, कह रहे थे कि निगी निब्बल वाली ने ना बिल्कुल सही किया आपके दद्दू के साथ। और दो कदम मैंने भी मजा चखाया जोर से पंच मार के। अस्तगफिरुल्लाह। अरे, स्कूल में झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? और कल तक तो तुम दोनों की आपस में भी लड़ाई चल रही थी। अम्मी, आपको पता है, बच्चों ने इतना मजाक उड़ाया कि मैंने जल्दी से मिली से दोस्ती कर ली ताकि हम दोनों मिलकर मुकाबला कर सकें। और मैंने फेक अकाउंट बना के निकी डिंपल वाली को ऐसे ही सुनाया कि वो पूरी जिंदगी याद रखेगी। अरे, ये हुई ना बात, ये किया ना काम। अरे, तुमसे अच्छी तो ये है ज़ॉम्बी वायरस। आदाब, फेक अकाउंट मैंने बनाया था। ओहो भाई, नहीं देना है मुझे इंटरव्यू? और वो जितनी तस्वीरें देख के तुम खुश हो रहे हो ना, वो मैं नहीं हूँ। फोटोशॉप करके किसी और की शक्ल लगा दिए। मामू, क्यों झूठ बोल रहे हैं? ए बहू बेगम, तुम सब्जियां काटो और मुझे ये कॉलें काटने दो। हेलो, आओ चलते। भाभी प्लीज, अम्मी और भाई को मत बताएगा। लो तो मत। आदम, लेकिन झगड़ा हुआ क्यों था? खाओ खाओ, बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ। तो तुम्हें इग्नोर करना चाहिए था ना आदम। क्यों इग्नोर करता? और वैसे भी तुम्हें झगड़ा स्टार्ट करने वाला दिखता है। यही बात ना मैं तुम्हें बचपन से समझाती आ रही हूँ। अच्छा, समझ गई। अभी प्लीज तुम एक काम करो, नीम गर्म दूध में हल्दी डालकर ले आओ। दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ बेटा, देखो देखो देखो, 4 घंटे में मिर्जा और मैंने ये डील्स तैयार किए हैं। 4 घंटे में हमारी पिछली 10 साल की मेहनत बर्बाद करने का प्लान है ये। हैं? क्यों, क्या क्या बुराई है इनमें? कोई एक अच्छाई बता दे। अरे भाई, सेल्स बढ़ेगी, धड़ाधड़ लोग आएंगे इन डील्स के लालच में, और इन डील्स के चक्कर में जो हमारी बजट की बुनियादें हिलेंगी उनको सहारा कौन देगा? क्या मतलब? मतलब ये कि थैंक यू सो मच इस ऑफर का, इस ऑफर पे गौर किया जाएगा। अब प्लीज मुझे आदम को काम करने दे। और वो जो मैंने शर्त लगाई है हामिद पेंट वाले के साथ 50,000 की, कि मैं 15 दिन में रेस्टोरेंट चला के दिखाऊंगा, उसका क्या होगा? क्या? हेलो, हाँ माँ, क्या आदम ठीक तो है? चलो ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ आदम को? कुछ नहीं, मैं आ रहा हूँ। सुनो तो, अरे यार, स्टील के चक्कर में शर्त ही ना हार जाऊं फिर से बेरोजगारी। अरे भाई, बात तो सुनो। दर्दों को छोड़ो, तुम्हें नहीं घुसना चाहिए था इतने बड़े मजमे में। तो मैं अकेला छोड़ देती मैं?
देखो सेल्फिश जरूर हूँ लेकिन इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ मैं। और तुम बताओ तो उसने वो क्या कह रहा था? कुछ नहीं। अब्बा आ रहे हैं। सच सच बताओ मुझे किस बात पर झगड़ा हुआ था तुम्हारा? अब आपको पता है वो विकी। तुम चुप रहो, मैं आदम के मुंह से सुनना चाहता हूं। आदम बताओ किस बात पर हाइपर हुए थे तुम? सर बस फजूल बातें कर रहे थे। उसने पुलिस स्टेशन में बयान दिया है कि पहले हमला तुमने किया था। जी सर। लेकिन क्यों, ऐसे क्या बात हो गई थी? सर नेहा का नाम लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं उनकी जबानें काट कर उनके हाथों में ही पकड़ा देता। नेहा आ गई तो भाग गए वहां से। तो झगड़ा नेहा की वजह से हुआ था? फजूल बातें कर रहे थे। क्या बातें? सर आई एम सॉरी, मैं आप के सामने नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? मैं कोई मुजरिम थोड़ी हूँ जिसके पोस्टर्स पूरे कैंपस में लगे हुए हैं। ऐसी क्या बात हो गई थी जिसकी वजह से नौबत हाथा पाई तक पहुंच गई? नेहा तुम चलो मेरे साथ, और आदम तुम शाम को मेरे पास आना। ये अब फोन रखो अपना, उमर ने दिया था। ख्याल रखो अपना, चलो नेहा। आदम प्लीज मुझे तो बता दो क्या हुआ था। आपको पता है वो क्या कह रहे थे? बताओगे तो पता चलेगा ना। कह रहे थे कि नेहा की वजह से मैं आगे पीछे फिरता हूँ प्रोफेसर कुतुब के। ओके, नेहा ने मुझे झंडी करा दी। परेशानी हो, लोगों की आदत होती है फजूल बातें करने की। मैं आराम का भी समय को देख कर आती हूँ।